नमस्कार दोस्तों, आप सबका आप सभी के चैनल एस्केप प्लम्बिंग वर्क्स में स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने अपना ही चैनल एस्केप प्लम्बिंग वर्क्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच में फिर से एक प्लम्बिंग का नया वीडियो लेके आया हूँ। प्लम्बिंग के काम में दोस्तों हम ज्यादातर UPVC और CPVC पाइप का ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हमें UPVC और CPVC दोनों पाइप को कभी कभी हमें एक में ही ज्वाइंट करना पड़ता है। दोस्तों, जो CPVC पाइप होता है वह गर्म पानी के लिए होता है, वहीं पर यह जो UPVC पाइप होता है वह ठंडे पानी के लिए होता है। कभी कभी दोस्तों हमें जो है UPVC को CPVC से ज्वाइंट करना पड़ता है, तो इसके लिए दोस्तों हमें जो है ज्वाइंट के लिए यहाँ पर एक UPVC का सॉकेट लगता है और वहीं पर दोस्तों यह CPVC का आधे बाई आधे का भूसिंग लगता है इस तरह से, तब जाके दोस्तों यह जो है CPVC पाइप UPVC से ज्वाइंट होता है इस तरह से। पर दोस्तों, आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको यह जो है UPVC पाइप CPVC पाइप में आधे इंच का जो है विदाउट सॉकेट और भूसिंग से जोड़ सकते हैं, वह आइडिया मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अब जो है आपको वह ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे यह आधे इंच का जो UPVC पाइप है, इस आधे इंच के CPVC पाइप को एक दूसरे से कनेक्ट करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ।